मुस्कुराती जिंदगी और पैन करती हुई मौत। ये कोई कुदरत का अजाब नहीं बल्कि सुल्तान के काल का असर है। सुल्तान जिसके खौफ से जमीन उदास है, आसमान खामोश। लाहौर में पैदा होने वाला हर बच्चा सुल्तान की फौज का हिस्सा, वरना मौत का लुक्मा। वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा खाना उना भैल कि ना भैल? दिन भर कामे करते रहबा। ना बेटा। चाचा एको भाड़ा रहे तनी लेके चल जा। नमाज के बाद। ठीक बा। Thank you.
शाबाश बेटा, हमरा जान बचा के आज तू हमरा धर्म के रक्षा कैले है बेटा। अगर तोहरा जैसन इंसानी समाज में सब लोग हो जाए तो हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क ना रही। भैया तू तो कमाल कर देख लो। चला बेटा, सब का सुना थी हम घूम घूम के चंदा मांगा था वे थे। अरे भैया घुमा लेगो पढ़ाई के हिसाब आ। अच्छा हाँ, एक खातिर माई बिजली भी पटना में बेटा। अरे भैया हम सबके एजुकेशन टूर पे जाए के बा। एजुकेशन टूर पे जाए के बा भाई। टूर पे जाते? हाँ, ये अरे बहुत अच्छा। यही खातिर तो पैसा मांगल जाता, और खाली हम ही ना, सब स्टूडेंट लोग मांगे था, प्रिंसिपल सर के आदेश बा। बहुत अच्छा भैया। हाँ तो देखो बात मालूम है तुके ना भाई, अबे दिवाली है यार। अरे क्या बोला था, चल आज चलो। जवानी वारिस देखा पवले बानी, होठ से हमरा मदिरा छलके पीला राजा आवा चलके। Bajes mamalai jaisan chikha mili।
मस्त मस्त हम चीज बड़ी है मस्त हम चीज बड़ी है मस्त मस्त हम चीज बड़ी है मस्त। तू चल बो टूर पे। हाँ पैसा लगी हम दे दी। मजा आई चला ना बहुत मजा आई। बाय भैया। अरे प्रमोद। हाँ भैया। कॉलेज जा तड़े। हाँ बैठ हम वो जाती बैठो। चलो ठीक है। लगता भारत निकल जाए हाथ से। क्यों ले बे ले। अरे ड्राइवर के जिंदगी भी अजीब होला। मतलब सबके मंजिल पे पहुंचा देला लेकिन खुद भटकत रहला। तो हर मंजिल का है ए बाबू। कहीं अपने भाई पढ़ावले के चक्कर में कहीं अपन मंजिल तने भुला गई ले। कौन मंजिल हो? ल राधा। राधा नहीं राधा राधा। ए मर्दवा तेरा फोन बजाता कब से? अरे फोन 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 उठावा। कहाँ चल गई ले मर्दे? कहीं सपना तो शुरू नहीं क्या हो गई? हेलो हाँ किशन भैया। हाँ मगर बा बोल भैया। हमारी गाड़ी खराब हो गई। भाड़ा लेके जाइबा का? अरे बिन ताश खेलता नहीं रे भक हमरा जाए। भैया चार पांच दिन के सवारी रहे जरा आवे ना कंकर बार के पीछे बानी। आवे तनी धर दस मिनट लगे धर फोन रख। अरे केकर फोन रहे हो? चलो चलो सट्टा खेल सट्टा खेल। अरे भाड़ा भैया तनी जाए दम के दो रुपये कमाया था पैसा उसे मार दे। अरे अरे रुका खेला ये ओ ला पत्ता पकड़ पैसा हमारा। कब ले रे भैया? गाड़ी खराब हो लो। मैडम जी गाड़ी आ गई। से कौरव रोम
रोमांस की हम ता कान्हा है। राधा से करब रोमांस की हम ता कान्हा है। हम ता कान्हा है। राधा से करब रोमांस की हम ता कान्हा है। राधा से करब रोमांस की हम ता कान्हा है। राधा से करब रोमांस की हम ता कान्हा है। करब रोमांस की हम ता कान्हा है। राधा से करब रोमांस की हम ता कान्हा है। कहाँ जाएगी वो? मंदिर। कहाँ जाएगी बा? राम जानकी मंदिर सीतामणि। क्या कहानी है? जो सुना है वही मंदिर जाना है। महिला बेर पुरखा में सदुआन देखा है। भगवान तू तो जानता है कि मेरा यहां आने का मकसद क्या है। भैया रूम मिली का? 700 भाड़ा लगी। बहुत मांग बाओ। और मिल जाए रूम तुमके, लेकिन पूरा पैसा एडवांस देवे की पड़ी। वो करे बाद रूम मिली। आईडी कार्ड बाका? हाँ देती हूँ। आईडी कार्ड दे। आईडी कार्ड ये लीजिए। तो और पैसा गिर गया लो, उठा लो। थैंक यू। ये रहा तुम्हारा आईडी कार्ड और 700 रुपये देंगे। राजू मैडम का सामान रूम में पहुंचा दा। जी साहब। कौनो तकलीफ हुई तो रिसेप्शन पर फोन करिएगा। अब आप जा सकते। सुबह जल्दी आ जाना। जी कल सुबह रे मिला। गुड नाइट। ई तू रख ला। Thank you.
जाएगा। बुरखा ब्लास्ट ना करी लेकी। भगवान तू तो बहुत ताकतवर है ना, तू दिखा अपनी ताकत और बचा ले। निकल जा बेटा कन्हैया, ना तो तू फंसी बैग रे चक्कर। अच्छा सुनो, अब बोध गया चलना है। हमर पैसा दे दो, हम ना जाए। क्या, आखिर क्यों? दूसर गाड़ी कल, अब हम ना जाए। ये नाटक नहीं चलेगा, मैंने कहा ना तुम्हें ही चलना पड़ेगा। चलो, नहीं तो बाकी के पैसे भी नहीं दूंगी। हाँ, अगर भाड़ा छोड़ देनी तो रसिलिया के पैसा कहाँ से दे। अब चल बेटा, काम पे लग जाओ। देखा था नहीं ऊपर वाला का क्या कर रहा है। जाता नहीं भगवान, अब तो सब दोहरे हाथ है। चलो, एकरे माई के फंसा दे ले। है ल तुहार सामान और है यह होटल और हमार पैसा देगा। पर क्यों? तो उसे पीछे चढ़ाए एक बार। अच्छा बताओ कितना पैसा हुआ? 3,000 रुपया। ये लो। चल बेटा किशन, भाग ले यहां से। आ गई ला बिलाई नियर नुका के खाए। देखा किसन, तुहार आई रोज रोज के नाटक ना चली। एगो किरायेदार के खियावे के खातिर हमरा रात भर जागे के पड़ेला। हम तोर किरायेदार नहीं खाली, बोल दे। अरे सोचा मत रसीली, बोल दे किरायेदार होवा। चुप मुझोसा, तोहरे चलते हमेशा हमारे किसन में लड़ाई होले। किसन तू हमार किरायेदार ना हवा, आहो का कहा अंग्रेजी में? प्राइवेट भतार। मारब मुटका। हाँ, तू तो हमार बॉयफ्रेंड हवा, अब तोहरा से पैसा लियल अच्छा तो ना लगेला। अब यदि घोड़ा घास से दोस्ती करी तो खाई का। ये डायलॉग हम ना सोले में बसंती दीदी बोले बड़ी जय हो। लेकिन केवले घटे ना बढ़ेला, ये हमार रंपा थरामी मौसा कहले रहे। रख ला थूक लगा के गिन के, और तनी चोर उचक्का से बचा के रखियो। तोहरा से बड़ चोर उचक्का पूरा मोहल्ला में केहू निखे। अरे रसीली सुनना, आओ ना। अरे बोला का बात बा? अरे अपन बिहार में आतंकवादी घुस गेल बाना कुल। आतंकवादी? तोहरा किसे पता, मतलब बिहार में यार आतंकवादी? हमारा टैक्सी में पूरा दिन रात घूमले से अबैनो के होटल में छोड़ के आवा था। धीरे बोला धीरे, यदि केहू सुन ली ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाए।
एजा आतंकवादी के साथ साथ तोके भी आतंकवादी साबित करके जेल में डाल दी है। एक मीटिंग होता हो, एक काम करो, जैसे खाना खा के पचा ले तरनु, वैसे बात के भी भूल जा। मतलब सोचा कि कुछ भैले नहीं खे, एकदम दिमाग से निकाल दई सब। चला खाना का असुच जा। हम कहा था नीना कुछ ना हुई, चला ढेर सोचला की जरूरत नहीं खे। आगे ले रहे, जल्दी जल्दी खा। खाना खा लेते? खा लेनी। तू हो ना भरा ला ना। तू का बैठ के प्रवचन सुना तारा, जा सूत तो। रात हो गई बा, लाइट पंखा बंद करे के बा। बाप रे बाप, तू लोग के चलते बिजली के बिल रोज बढ़ चढ़ के आवता। जो मंदिर में ब्लास्ट हुआ था उसमें किसका हाथ था? साहब किसा नहीं रहा, टैक्सी में ओकरे साथे को लेके रहा, उहे करौले हुई। साहब लड़की कहां गए हो सब? उधर गई ना जी। आओ जी साहब। यह था ना? अरे साहब छोड़ दे। गया में? अच्छा, यह बिहार में बम फोड़ा था? हां साहब, बक्सर में और सीतामढ़ी में भी। अरे एकरा आतंकवादी के भूत पकड़ लिया है, सब भूत ना फुसफुसा देंगे समझे। हम तो टैक्सी चला ले, हम कहां से बम फोड़ा? सही सही बोल साला, नहीं तो देख रे फूसेंगे ना जहां साहब, जाएंगे ना जहां। काला कपड़ा एकरा मुंह में डाल, साला को जब फांसी पर चढ़ाएंगे ना साहब, तो कूल बुद्धि साले का जगह आ जाएगा। अरे बाप रे, हमने कहां ले जा, अरे हमने कहां ले जा, तेरी छोड़ी हमकी, हमने बम फोड़ लिया। अरे कहां बम बा, कहां बम बा, कहां बम बा, झोसा ना रात भर सुती ना सुती थी, का भइल बा? अरे बम फट गए, बम फट गए। कहां बम फटल बा? सपना देखत रहला सपना, अपना घर में बाड़ा, कोनो कोर्ट कचहरी में नहीं खा। सपना रहे नहीं, अलकायदा वाले तो फोड़ के गेले बाड़े। अगर सपना ऐसा रहे तो हकीकत कैसन होई? छूते ना देते इन्हें। पर मधुवा कहाँ बा? या भैया ठीक बाड़े ना ते? हाँ भैया। हे भगवान, आई हो दादा, एक कैसन डरपोक के फेरा में हम पड़ गए बानी। सूता हम ना सूता, देखा ढेर हो कुल सोच बता दिमाग में। हम ना सूता, दिमाग में उहे कुल चली। सूता नहीं ना, हम ना सूता। अरे इचे बारे सूता सूता, अभी केहू उठ गई तो सबके दौड़ा दौड़ा के मारो, रात खराब कर देले बालों चिल्ला चिल्ला के। अरे बाप रे, बम फाट गेल रे, बम फाट गए। ये मोझोसा बम बम करके ना एकदम दिमाग खराब कर लेबा, अब का भाई? अरे बम फाट गेल रे फिर। हाय हाय, मोटका बम, मोटका मोटका। माँ कसम, हम नाई पत्नी है और सबके सुलेशन लगल बा का। अब ना सुतब का, हम का सुतबा लोग और का जगबा लोग, तू लोग के चक्कर में तो बिहान हो गई। हट, उठा। हाँ तो बम के कहानी में भोर कर दे लो, हट, तबाह हो गई बनी लड़का के चक्कर में। हट। अरे यार रात बहुत हो गई, सुत जा। मट्टी लगना तोर इतना हिम्मत? अरे ना दीदी ना, भौजाई संगे घुस के सूतत बड़े, मतलब धोखे वाली भौजाई संगे। हमरा लागे कि सनी बिया। आजकल के लइका लोग ना खाली गाना सुन सुन के बिगड़ गइल बा लोग। तू का कहला अभी? लागल कि सनी हो? हां दीदी। सनी आता का रे? सनी लियोनी ना हिया, हमार बहिन हिया। हम ओकरा से प्यार करी ली, ओ हमसे प्यार करी। का कहले कि प्यार करेनी? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तोने तुनू के प्यार के गाड़ी
हमरा नक के नीचे से निकल गई, हमरा पता भी ना चला। साला का करी, ये मामला में खुद ही कमजोर बानी। अब देखना, इतना दिन से तोरा भाई के लाइन मारल बानी और वो साला बाकी लाइने निखे दे। अरे तो दीदी सुनो, हमरा लगे एक आइडिया बा। बढ़िया आइडिया बा। एकदम। सुन परमुखा। बोलो। तू हमार हेल्प कर दे, हम तुहार हेल्प कर दे। अगर हमार गाड़ी पटरी पे आ गई ना, बेटा तुहार गाड़ी तुम पटरी पे लाइए। ये तो हमरा हाथ में बा। पक्का तो डन ना? एकदम डन। इस सो स्वीट। इरादा तो दिल्ली बनाने के बाद वो कटे में तो का दहेज ले बो जमाना तो उहे आ गेल बा। रेडी चोइली के क्लैप आउट चोइली के ई का बदतमीजी हो। ए राजा इधर आओ। हाँ सर। तो बने ला तू अपना के हीरो।
जिला लफंगा ताके बोझे लाहं जीरा रोहन से खबलन नहीं तो के बाप दादा रोहन से खबलन नहीं तो के बाप दादा हाँ तो के बाप दादा औकत अपन को बढ़ावा मत ज्यादा औकत अपन को बढ़ावा मत ज्यादा रसीली, अरे रसीलिया। दिनों में सपना देख ले लगा। कहाँ भाई? अरे भाई गिरे। इतना कोनो लड़की के बुझाता। अरे वो हमके लगा तो हुआ आतंकवादी अरे। देख ले पहले रह बुरखा और नाम काली के लिए बिया राधा सिंह राजपूत। हमके तो लगा था कुछ तो गड़बड़ बा। कहीं पुलिस के पता चल गया तब रे? पुलिस के पता तो लग चुकल बा। वो देखो सामने। कानून का हाथ लंबा होला तो टंगरियो लंबा कर देले बा। देख ना कितना हली हली आवत है। तू इतना डरपा तो लड़की जरूर सख हो जाए। आवे तो सच सच बता दियो। सब का ए साहब ऊ का गड़िया रहिया में खराब हो गेल रहे और ब्रेको फेल हो गेल रहे। अब का करी साहब गलती हो गेल तनी माफ कर दें आगे से ऐसा ना होई। अरे एक तो नो एंट्री में दूसर सिग्नल तोड़ ले हवे। मालूम है तोरा वजह से कितना तकलीफ भइल हमनी के। ई तो रसीली बाड़ी ओकरा वजह से हमनी के खाली रसीद कटनी है ना तो तोहार गाड़ी उठा के ले जाती थाना में और लाइसेंस भी जब्त कर लेती। समझ गए ना? आई ले दे 1200 रुपया। दे तो हाँ साहब गलती हो गई ले ली। और सुन दोबारा ही गलती हुई ना तो हर लाइसेंस जब्त हो जाएगी। समझ जो अगला बार कोनो गलती ना। अब मुँह का दिखा तरह चुपचाप चला थाना और जोन भी बात पर सब सच सच बता दा। अरे रसीली सब सच सच बता दे तब दरोगा जी हमके माफ करिया ना। अरे जब दिल्ली की जनता करके फिर से मुख्यमंत्री बना सकेले तो ये दरोगा जी तोरा के माफ करके बेगुनाह बना दिए। तू टेंशन मत ले हम बानी ना। चलो सब कुछ सच सच बता देवे की। ए बाओ बच गई ना तो ठेला जाती दोनों जनी। अच्छा तो ते बारे जे हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के जासूसी करत आड़े बोल कितना पैसा मिलल बा तोरा के? 3000 रुपया साहब। 3000 की 3 करोड़ रे? हम टैक्सी चलाएला हमके 3 करोड़ रुपया के दी? चुप सराऊ हमरा के बकलोल समझता रे। हाँ कितना साल से जासूसी करता रे? हाँ सराऊ आतंकवादी। किशन के बहुत समझा बुझा के ले आए बन इससे अभी तक शांत पा। हवलदार जी साहब लेडीज कांस्टेबल को भेज के वहाँ छापा मरवाइए। इससे पूछे इसका नाम क्या है का मकसद क्या हिंदुस्तान आने का? और ये सुल्तान ये सुल्तान को आने चला? इसी से कई दफा फोन पे बात कर चुकी और हाँ अगर सच सच बोलेगी तो सिर्फ जीभ पर तकलीफ दूंगा वरना पूरे शरीर पर। बोल बोल का मकसद बा बोल। मैंने कहा ना मैं आतंकवादी नहीं हूँ मुझे छोड़ दीजिए।
तो माँ समान होती। इंसान है, उसकी बग्गी पाकिस्तान में, हम हिंदू मोहल्ले में जब आती है, उस दिन किसी हिंदू लड़की की इज्जत लूटी जाती है। हमारे सामने पेश किया जाए। अहमद चाचा, सुल्तान खान मेरी बहन को उठा कर ले गया। चौधरी साहब आप कुछ कीजिए। हम पूछ रहे हैं चौधरी साहब, आखिर कब तक ये सुल्तान खान निकाह का चादर डाल के हम लोगों की बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। चौधरी साहब कुछ करिए, कुछ सोचिए। अरे धन जाने पे धन वापस आ जाता है, मगर इज्जत जाने पे इज्जत वापस नहीं आता है चौधरी साहब। हाँ चौधरी साहब, सुल्तान का आतंक बहुत बढ़ गया है। कुछ कीजिए चौधरी साहब, कुछ कीजिए। यहाँ कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ गुहार लगा सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं। चलिए चलिए सब लोग विदेश मंत्री के पास चल के उन्हीं से फरियाद करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए
बात के लिए फोन किए हैं। आपको 12वीं निकाह मुबारक हो। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। एक बार सुनिए सुल्तान साहब, अब ये ना कश्मीरी केसर खाना थोड़ा कम कीजिए। सेंचुरी मारने का इरादा है क्या? जनाब आप तो कर लेने दीजिए, हम तो आपको पूरा कश्मीर तोहफे में देने वाले हैं। चलिए फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, खुदा हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आदाब हुजूर। हुजूर का चौधरी हनुमत आया है और साथ में काफी राजपूत आए हुजूर। ये जिन्ना साहब तो चले गए, पाकिस्तान का सारा मलामत मेरे ही सर मड़ गया। बिठाइए बरामदे में, आता हूँ, बिठाइए। जी जनाब। क्यों चौधरी साहब, सब खैरियत तो है ना? नहीं नहीं, खैरियत नहीं है साहब, कुछ भी खैरियत नहीं है। हम अपनी बहू बेटियों के साथ पाकिस्तान में जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, कुछ खैरियत नहीं है। हम अपनी बहू बेटियों की आबरू की नवाब सुल्तान से हिफाजत चाहते हैं। हमारी हिफाजत करें सरकार, हमारी हिफाजत करें। रहम सरकार, रहम। या अल्लाह, बैठिए बैठिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जहां तक हमारी नजर है, सुल्तान निकाह करके ही सुहागरात मनाता है, आप लोग तो खामखा सुल्तान पे तोहमत लगा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक आदमी निकाह करके अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाता है तो उसको आप आबरू से जोड़ देंगे? बेहतर ये है कि सुल्तान पे इल्जाम लगाने के बजाय अपने गिरबान में झांक के देखिए, अपने गिरबान में। पाकिस्तान की हवा लेते हैं, पाकिस्तान का नमक खाते हैं, लेकिन विराट कोहली के सेंचुरी पे आप तालियां बजाते हैं और अफरीदी के आउट होने पे आप लोग हिंदुस्तान का तिरंगा लहराते हो, तिरंगा। जरूरत सुल्तान को समझाने की नहीं है, बल्कि जरूरत है आप लोगों को अपने भीतर देशभक्ति जगाने की। ये जिन्ना साहब क्या गए? आप लोगों को मत्थे मड़ के गए हैं। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है पाकिस्तान तो बेहतर है कि आप लोग पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान चले जाएं। इनों में हिंदुस्तान की भागीदारी ना हो, इसलिए चीन के विदेश मंत्री के साथ वार्ता करनी है। आप लोग जाइए, मैं इस मसले की तहकीकात करता हूँ। जाइए। सरताज मियां, अभी निकले नहीं आप? हुजूर सुल्तान जी, ठीक है, अभी तो की टोली यहां आई थी और आपके खिलाफ शिकायत कर रहे थे। मैं एक सलाह देना चाहता हूं, आबो हवा बदल चुका है और फिर अमेरिका में ट्रंप भी बैठा है, इसलिए हुजूर थोड़ा आराम से। सब खैरियत है ना? अब मैं निकल रहा हूँ जिन्ना हाउस के लिए, आप भी निकलें।
गई क्या भाई? हाँ पापा। अरे वाह, आप ये प्रसाद लीजिए। खुश रहो बिटिया। चौधरी नेता बनने चले हो, अबे दूसरे के घर की आग बुझाने चले हो, अब देख देख तेरे घर का क्या हश्र करता हूँ मैं। अरे अरे नहीं, अब देख तुम्हारे घर में अब हम आग लगाएंगे। तूने सुल्तान से पंगा लिया है, अब देख तेरा हश्र क्या होता है। अरे नहीं नहीं, नहीं भाई। ए, जी जना, उठा इसकी लौंडिया को, जी जना, ले चल सुल्तान के पास। बचा लीजिए भैया आप, चाचा जी आप तो मुझे बचा लीजिए, आप यहाँ सबसे बुजुर्ग हैं, आप तो कुछ बोलिए। इंसानों से तो फरियाद कर लिया, अब क्या जानवरों से करोगी? नहीं, भगवान से। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे भोलेनाथ रक्षा कीजिए भगवान। देख लिया, यहाँ के इंसान ही नहीं भगवान भी डरते हैं हमसे, तुम्हें तो पता ही होगा। तुम्हारी क्या सुनेंगे, डरते हैं मुझसे, डरते हैं वो। चल मान लिया कि, लेकिन हिंदुस्तान की तो नहीं डरते। मैं वहां जाना चाहती हूँ, मैं हिंदुस्तान जाना चाहती हूँ, उनसे फरियाद करना चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये राजपुतानी तुझे वचन देती है कि वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आएगी, और तू अपनी बग्घी लाना, मैं खुद तेरे जांग पर बैठ कर आऊंगी। फिर चाहे तेरी मर्जी, तू चाहे अपनी बेगम बना के रख या फिर रखेल। मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। तुम हिंदुस्तान जाओगी, लेकिन हमारे लिवाज में तुम बुर्खा पहन के जाओगी। मंजूर है। अहमद चाचा, इसके हिंदुस्तान जाने की व्यवस्था कीजिए। बेशक सुल्तान मियां। मैं मंदिरों में कोई बम ब्लास्ट करने के इरादे से नहीं आई थी, मैं तो अपनी फरियाद लेके आई थी। मैंने सुना है कि रक्षा करने भगवान स्वयं नहीं आते, हाँ किसी ना किसी को अपने रूप में जरूर भेजते हैं। लेकिन मैंने देख लिया फरियाद करके, भगवान जी पाकिस्तान के जैसे ही हिंदुस्तान में हैं। यहाँ के देवी देवता भी पाकिस्तान के सुल्तान से डरते हैं। उसका डर ही है कि ना उन्होंने वहां भेजा भगवान को और ना यहाँ। जीत गया सुल्तान, तू जीत गया। मैं हार गई सुल्तान, मैं हार गई। देखिए मैडम, हम सब ने इंक्वायरी कर ली है, आप बेगुनाह हैं। वैसे भी आपके देश का मैटर है, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ओके, आई एम सॉरी, आप जा सकते हैं। सुनी ना, सुनी ना, हमके माफ कर दे, गलत फहमी हो गई रहे। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरी किस्मत में लिखा था। कल मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, अगर मेरी तरफ से
कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। जाए से पहले कल का दिन हमके दे दी प्लीज। रहिया चले लुता गम के जान कहिले कसम से आगो बात एगो तोहरा से जाने ब्यूटी पार्लर चलावे लुका रानी लगे चेहरा चमके न रहानी गंगा के पानिया बाड़ू पानी तरको तो जियरा से जियरा मिले ले राजा हर बार हिम बाजल हमने के प्रेम कहानी के बाजा जनवर हिम जियरा से जियरा
अपना रानी के, हर रानी के, राजा रानी के, रानी के, हाँ लव पहले पानी हम सुपर से, हाँ 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 लव पहले पानी हम सुपर से, सुपर से, ना तो फंस जाए बजा के तू दूसर से, हम ना तो फंस जाए बजा रुकेंगे। क्या आपके यहाँ भी मायने नहीं है? क्या आपको यहाँ कोई नहीं मानता? क्या आपका भी यहाँ नहीं चलता? बोलिए, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका यहाँ नहीं चलता? नहीं बेटा, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ सब की चलती है, यहाँ जिस हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई जाती है उतने ही गर्म जोशी के साथ ईद भी मनाई जाती है। और फिर ये सरहदें, ये सीमाएं, ये सब तो इंसान की बनाई हुई, ऊपर वाले की नजर में इनकी कोई अहमियत नहीं, उसके यहां देर है अंधेर नहीं। बस अपना इरादा पुख्ता कर लो तो हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान क्या। अल्लाह हिफाजत करे, मौला हिफाजत। या अल्लाह, सॉरी, हमके माफ कर दो। कोई बात नहीं। एक बात बोलूं, ये आंखें एकदम वैसी हैं जैसे मेरे सपनों की रानी। सच्ची, न जाने क्यों सब कुछ सपने की तरह लग रहा है, पर मैंने सोचा था कि मेरी राधा बिल्कुल मेरे सपने की जैसी होगी। आपको क्या लगता है, मेरा सपना सच होगा? पर मैं ये सोच रहा था कि मेरी राधा बुरखे में कैसे कैसे हो सकता है। आज रुक जाइए। अच्छा ठीक है, चलो पहले मुझे घुमा दो। चलो वैसी हैं जैसे मेरे सपनों की रानी। मैंने सोचा था कि मेरी राधा बिल्कुल मेरे सपने की जैसी होगी। आपको क्या लगता है, मेरा सपना सच होगा? पर मैं ये सोच रहा था कि मेरी राधा बुरखे में कैसे कैसे हो सकती है। ना जाने किस हाल में होगी मेरी राधा, मेरी बच्ची। देखिए ना भाई, अपनी बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है जी। अरे इस उम्र में ऐसा दृढ़ विश्वास देखने को बहुत कम मिलता है। सही तो कह रहे हैं भाई साहब, आप तो यूं ही टेंशन ले रहे हैं। अरे हमारी बेटी राधा का दृढ़ विश्वासी तो है, और जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका ऊपर वाला होता है। और देख लेना भाई साहब एक बात, हमारी बेटी को भगवान किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ने देंगे। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि हमारी बेटी राधा बहुत जल्दी ही तीर्थ करके हम लोगों के पास सही सलामत आ जाएगी। सही बोल रही है, बिल्कुल। Thank you.
तक कहाँ रह गया? इतना टाइम हो गया तो जाने का भी टाइम हो गया। लेकिन प्यार के भाषा अच्छा से समझीला। कहाँ जाता रहा वो चुड़ैल संगे पाकिस्तान? हाँ तो ठीक बा जा, लेकिन आज एगो फैसला करके जा कि तोहरा के वो पाकिस्तानी चाहिए या ई हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गई है। राधा की मोहब्बत मेरी आंखों का सूरमा है और राधा के चेहरे का नूर मेरे इस आलीशान महल का तख्तोताज है। आज इतिहास बदलेगा अहमद चाचा। बिल्कुल जश्न की तैयारी करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और बग्घी बेच के राधा को मेरे पास बुलवाइए। जी जनाब बिल्कुल अभी के अभी करता हूं। जब से लड़का से तू तो से आन भइलू ऐसा लागल हमारा पे एहसान कइलू। जब से लड़का से तू तो सियान भइलू ऐसा लागल हमारा पे एहसान कइलू। पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा आपके कदमों में सारा जहान है। ये लीजिए हमारे सुल्तान साहब ने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा भेजा है। चचा हम लोग कलाकार हैं, हम लोग सम्मान के लिए जीते हैं, इस थैले के लिए नहीं जीते हम। बच्चा सुल्तान की खिदमत तो सबके खिदमत, नहीं तो अफ्तावली चाचा जान अफ्तावली भी बच्चा है। सुल्तान को मेरा सलाम बोलिएगा। शुक्रिया शुक्रिया, खुदा खैर करे। Thank you.
वादा निभाऊंगी, अब मैं अपना वादा निभाऊंगी। बेटी, भगवान भगवान तुम्हारी रक्षा करे। सावधान हो जाए, उसे उड़ाने तूफान आ गया। किया ये सब? कौन है वो? जनाब, उसकी पाहें फौलाद जैसी हैं और उसका सीना बिल्कुल चट्टान की तरह और उसकी आंखों में राधा की। अंधेरा कर देंगे हम, गर्दिश में तारे दिखा देंगे, उसके चमकते सितारे हम इसी पाकिस्तान में खत्म कर देंगे। राधा की मोहब्बत उसकी मौत होगी। राधा की मोहब्बत को चैलेंज देना उस हिंदुस्तानी को महंगा पड़ेगा। बेटा, अपनी इस छोटी सी जीत को जीत मत समझना, कल होली है, पर हम लोग होली नहीं मना पाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि होली के दिन हमारे घर की दीवारें तुम्हारे खून से लाल हो। पिताजी, हम आपकी बेटी राधा से प्यार करते हैं और उसका प्यार ही हमें उस हिंदुस्तान से पाकिस्तान खींच लाया। अब उसका प्यार मिले या ना मिले, अब हम वापस यहाँ से तभी जाएंगे जब तक सुल्तान जैसे शैतान से सबको यहाँ से निजात नहीं दिला देंगे, तब तक नहीं जाएंगे। और रही बात होली की, सिर्फ होली नहीं, दिवाली सब कुछ यहाँ मनाएंगे। बेटा, तुम्हारी हिम्मत भरी बातें सुनकर मेरे दिल में एक उम्मीद का चांद उगाया है, पर डर लगता है उस सुल्तान राहु जैसे इंसान से
जो हमारे उम्मीदों पे पानी ना फेर दे। पिताजी बस आशीर्वाद दें। नदी के किनारे बैठने से कश्ती पार नहीं होती, लहरों से जूझने वालों की कभी हार नहीं होती। जाने काऊ मुझे सम्रक छोड़ के चल गई। कोना सवत सगे काटत हुई जानी लगा के मच्छरदानी। ये रसीली रोवा, जितना रोवे कमा उतना रोवा। रो रो के ये भगोना में भर दा, जितना पानी बा कुल पानी गिरा दा आखिर से भगोना में। ये रसीली आवे ना उस ससुर के नाती के हम बताई तूने वियोग में हमारे रसीली इतना रोवे बा, इतना रोवे बा कि हम ओकर आंसू में अपन पट्टी गंजी धो के सुखवा देनी। अब तेरे बचल बा भाई। अरे गोबरा, अरे गोबरा तू दिखाई रे गोबरा। समनवा के बेटा होली में मजा लेता, दुसमनवा के बेटा होली में मजा लेता। जहाँ पोते कना रंग वहाँ पोत गइल बा, अरे भोट के भतार भांग लोट गइल बा। ये है वो हिंदुस्तानी सूरमा जो तुम लोग का मसीहा बनकर आया है। बच्चा है अभी तू, बच्चा। अबे बच्चा नहीं, बाप बोल बाप। तेरे इस पाकिस्तान का बाप हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान। खामोश बकजुबान। तूने पाकिस्तान में आते ही होली खेल के यहाँ की परंपरा तोड़ी है। कोई भी परंपरा देश को नहीं चला सकता। परंपरा से देश नहीं चलता, धर्म चलता है। और किस धर्म की बात करता है बे? आके देख हमारे हिंदुस्तान में ईद दिवाली मुहर्रम सब कुछ एक साथ मनाते हैं। परंपरा की बात आसमान में फैला सितारों की तरह उसे हिंदुस्तान कहते हैं। तेरी ये बसलुकी तेरी मौत का कारण बनेगी। और तेरी मासूम का है ना, इसे निकाह करके सुल्तान एक दूसरा सुल्तान पैदा करेगी। सीने में सुलगती प्रतिशोध की ज्वाला तो सिर्फ मर्डर कराती है, मगर दिल में धड़कती मोहब्बत की चिंगारी ना गदर कराती है। से तो कि छोड़ देता नहीं, मगर याद रखिए आज के बाद अगर हमारा कोनो भी हिंदू भाई बहन के कुछ भाई
जी जनाब, मलिक को फोन लगाओ, बोलो सुल्तान बात करना चाहते हैं। जो हुकुम जनाब। वैसे किशन, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए तुम हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गए। उस दिन जिसे गले लगाया था वो कौन थी? वो मेरे लॉज के मालकिन है। अच्छा, सच बोल रहे हो? ओ जाने मन छोड़ो ना, बहुत गर्मी है। मलिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब, बड़ा परेशान नजर आ रहे हो। हाँ मलिक साहब, हमें आपके तैयार किए हुए 1000 सिपाही चाहिए। क्या बात है जनाब, पूरे हिंदुस्तान को मारना है क्या? नहीं मलिक साहब, सिर्फ एक है जिसने मेरी नाकों में दम करके रखा है। बस एक को मारने के लिए 1000? तो
तुम लोग पूरी यूनिट के साथ इस मिशन पे लग जाओ। और हाँ, कुछ भी हो जाए उसे पकड़ो। और वो हिंदुस्तानी, मुझे किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा चाहिए। भाई, किशन भगवान का रूप है। अरे वो तो साक्षात भगवान है। आप देखिएगा भाई साहब, अरे हमारी बेटी राधा और वो लड़का किशन, अरे इन दोनों की जोड़ी तो ऊपर वाले ने खुद ऊपर से बना के भेजी है। अरे मम्मी, आपने तो सही कहा, दोनों का नाम ही भगवान के नाम पर है। एक का नाम राधा, एक का नाम किशन है। अब देखिए ना भाई साहब, इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए बताइए। नहीं नहीं नहीं, सुल्तान से पंगा मतलब पूरे पाकिस्तान से पंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे। भाई जी, हिम्मते मर्दा तो मदते खुदा, हिम्मत रखिए भाई जी, हिम्मत। भाई साहब, मान लिया तो हार है और ठान ली तो जीत है। हिंदुस्तानी को आप सुल्तान साहब की अमानत है, उनका हुक्म है कि आप घर जाइए। प्लीज प्लीज मेरे किशन को छोड़ दीजिए। प्लीज भगवान के लिए मेरे किशन को छोड़ दीजिए। किशन, पारों से मुझे छोड़ दीजिए। अरे बुढ़िया, छोड़ दीजिए प्लीज, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। जनाब सुल्तान साहब, ये लड़का हिंदू है, इसको हम लोग को जलाना चाहिए। जनाब यहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा करने आया था, ये नहीं जानता कि उनकी हिफाजत पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो खुद सुल्तान है। करके कब्र पल में हम दम उठे, दर किस बात की मौला जलवा दिखा।
प्यार को प्यार से जिस्म जा से मिला, डूबती सांसों की अब तू सुन ले सदा।
इरफान पानी लाओ। अरे ये लड़का कौन है? देखो जरा हालत तो ठीक है? हालत तो बहुत खराब है। तुम ठीक हो? संभल के चलो। देखिए पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, एहतियात बरतनी होगी। खुदा से दुआ करें, खुदा ने चाहा तो जल्द ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। आइए मैं छोड़ देता हूं आपको बाहर तक, आइए। देखिए इलाज तो मैंने कर दिया लेकिन दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। ठीक है। पाकिस्तान में खो गया दिल, न जाने कहां दिल खो गया। हमन के बुर्बक बनावा तरू, वही वही बतिया सुनावा तरू। हाँ आई कुल चेहरा से बकचोनर है लेकिन है नहीं, और ससुर के नाती के खोजे खातिर हम पाकिस्तान नहीं चल जाई। तू कपार पटक के मर जा। एक बात सुनो, तू चलबू तो चलब और ना जाइबू तो ना जाए। सच्ची मुच्ची? अच्छा ठीक बा। अरे गोबरा ए जट से ऊपर जी से ए परमोदवा कहां बहु, ए सनिया भी नहीं खेलो कर कहां बड़े सब। अभी ले ये सोचा तरू है परमोदवा कब पे चल गए पाकिस्तान अपने भाई के खोजे खातिर। और एक बात और बताई ओकरे साथ है ना सनियो गए बिया उहे बमबारी होई। भाई साहब इनको देखा है आपने किधर? मालूम नहीं, ये हमारे भाईजान है। पता नहीं। We'll be right back.
पाकिस्तानी कलाकार है। यहाँ गायन प्रतियोगिता में भाग लेने के खातिर हम लोग पाकिस्तान से मुंबई आए हुए हैं और वो गायन प्रतियोगिता की टीम पटना आई हुई है। मीडिया वाले जब हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे, हमने बताया कि हम पाकिस्तानी हैं, तब वहाँ मौजूद लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। प्लीज हमें बचा लीजिए। तू चिंता मत कर, देखा कलाकार की कोनो हद असीमा ना हो। कलाकार कोनो देश के ना बल्कि पूरा दुनिया के होला। बाकी हम बानी ना, तू लोग इजा जब तक चाह तब तक रह सकता। तू लोग बैठा आराम करा, तू लोग के खाई पी की व्यवस्था करते नहीं। और हाँ, हो सकेला तू लोग के साथ हमू पाकिस्तान चली, काहे से कि हमरो पाकिस्तान जाए के बा। क्या पाकिस्तान? हाँ, दरअसल वो कहा कि हमारे जन ऊ बाड़े ना, मतलब बॉयफ्रेंड जन बाड़े, वो पाकिस्तान गए बाड़े, और उनका खोजे के खातिर हमरो जाए के पड़े। दीदी, आपको जो भी मदद चाहिए होगी हम लोग करेंगे। तू लोग चिंता मत कर, हम बानी ना, कुछ ना हो। तू लोग बैठा लोग, हम कुछ खाए पिए की व्यवस्था करते हैं। बैठा लोग। कितने दिन का वीजा चाहिए आपको? एक महीना का। एक महीना, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे बेटी राधा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चाची किशन। बेटा, ऊपर वाले पे ना भरोसा रख। और मैंने तो सुना है कि किशन को जिस कब्र में दफन किया था ना, वहां से वो गायब है। सच चाची? बिल्कुल बेटा, सच। तनिको न लागो तलाज चिरई, तनिको न लागो तलाज चिरई। तू तो हो गइल बाड़ूड़न बाज चिरई, तू तो हो गइल बाड़ूड़न बाज चिरई, बाज चिरई हो उड़न बाज चिरई, बाज चिरई हो उड़न बाज चिरई। तू तो हो गइल बाड़ूड़न बाज चिरई, तू तो हो गइल बाड़ूड़न बाज चिरई।
इन्होंने कहा भाईजान इनकी आवाज वापस आ गई। क्या कौन है आप? किशन हिंदू है, पाकिस्तान से है, हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तान से यहां कैसे आए हैं और ये आपका हल किसने किया है? सुल्तान। क्या जरूरत थी उससे बात करने की? तुझे पता है वो हिंदुस्तानी है? अरे सुल्तान सुनेंगे तो क्या कहेंगे? उसके साथ बैठकर उससे बात कर रही थी तू। सलाम वालेकुम भाईजान। आदाब। क्या हुआ भाईजान, क्यों टेंशन में लग रहे हैं आप? गलती से हमने एक आदमी को अपने घर में पनाह दे दिया है। हमें लगता है कि वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी? किशन शुक्रिया। अब भाईजान ये कोई आतंकवादी ना, हमार किशन हवे, हमार किशन। किशन चल रहे यहाँ से वापस अमरीकी हिंदुस्तान चल चले थे। चला दीदी आप हमारी मेहमान हैं, आज के दिन रुकना ही पड़ेगा क्योंकि आपने हम लोगों को बचाया था, अपने घर में पनाह दिया था। आप नहीं जा सकती भाई, इन लोगों ने हमें पनाह दी थी, अपने घर में रखा था। वहाँ हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ जब वहाँ गए थे। शुक्रिया आपने हमारी बहन की जान बचाई है। आज तो आप लोगों को फिर रुकना ही पड़ेगा, आज पाकिस्तान में एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। बढ़िया बनाए हो। जाओ हाथ मुंह धो लो। लहिका से तू तो से आन भइलु, ऐसा लागल हमरा पे एहसान कइलु। हाँ जब से लहिका से तू तो से आन भइलु, ऐसा लागल हमरा पे एहसान कइलु। देखी तू हर जवानी मिश्री मोहन घोले, देखी तू हर जवानी मिश्री मोहन घोले। चले लू जब गोरी होले होले कमर दाएं बाएं डोले, चले लू जब गोरी होले होले कमर दाएं बाएं डोले। हाँ
पेड़वा में घुस, तोसे मिलते ही मनवा हो जाला नो खुश। हाँ पहले नजर में गईलू तू दिलवा में घुस, तोसे मिलते ही मनवा हो जाला नो खुश। बनल ब्यूटी तुहारी आना मोहले मोले, बनल ब्यूटी तुहारी आना मोहले मोले। चलेलू जब गोरी होले होले कमर दाए बाए डोले, चलेलू जब गोरी होले होले कमर दाए बाए डोले। कम बेजोर छोटी कपड़ा में झलके जवनिया नु गोरे, हाँ नया नया बड़ू तू तो यही कम बेजोर छोटी कपड़ा में झलके बदनिया नु गोर। निकला के उमर तोहर सोले सोले, निकला के उमर तोहर सोले सोले। चलेलू जब गोरी होले होले कमर दाए बाए डोले, चलेलू जब गोरी होले होले कमर दाए बाए डोले। हाँ जब से लइका से तू तो सियान भइलू, ऐसा लागल हमरा पे एहसान कइलू। देखी तो हर जवानी मिश्री मन घोले, देखी तो हर मोहन घोले। चलेलू जब गोरी होले होले कमर दाए बाए डोले, चलेलू जब गोरी होले होले कमर दाए बाए डोले। Oh,
बरामद? ये कैसे हुआ? मुद्दे लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। सुल्तान, ये ना तेरी मर्जी ना मेरी मर्जी, ये भगवान की मर्जी। मैं आया नहीं, लाया गया। पाकिस्तान में सुल्तान से बगावत? कमजोर, सुल्तान को सिर्फ एक ही शख्स मार सकता है और वो खुद सुल्तान है। आ, 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 आ,
भैया 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 किशन उठो किशन भैया उठिए भैया कोई घर से निकलने की कोशिश करेगा तो उसका भी वही हाल होगा जो जिसका हुआ है। में हिंदुओं को कमजोर समझने की गलती नहीं करना। अगर ये जाग गए ना तो तेरे इस पाकिस्तान को मिनी हिंदुस्तान बना देंगे। देखेगा हिंदुस्तान की पावर, बोल देखेगा कि देख। शेर समझ के पाकिस्तानी सरजमीन को नापाक करने के लिए आया है। जा जा वापस, वरना याद कर ले, इतिहास उठा के देख ले, हम पाकिस्तानियों ने इतिहास बदला है। अबे इतिहास की बात कर रहा, हम युद्ध से नहीं डरते, डरते तो सिर्फ इस बात से कल हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि एक था पाकिस्तान। क्या एक था पाकिस्तान? अबे मत We'll be right back.
खातिर जान देते हो तो देख आज तू अपने भाई खातिर जान देगा। ए! हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी, अगर अच्छाई में रह जाए तो हमसे अच्छा कोई नहीं, और अगर बदमाशी में रह जाए हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं। हमेशा बनाए रहे, ये मेरा आशीर्वाद है बेटी। प्रणाम चाचा। खुश रहो बेटी, अपना ख्याल रखना, ध्यान से रहना। सुनो बेटा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। भैया जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम होता। बेटा तुम अगर हमें छोड़कर चले जाओगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा बेटा, और हम दूसरा कृष्ण कहां से लाएंगे? अरे चाचा हम कहाँ जा रहे हैं वो देखिए, इतने सारे बच्चों को किशन बना दिया। बाय बाय भैया, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। On the bell icon to get regular updates from Venus.